अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जो है ना, हम लोग शाम का टाइम है और हमने जो है ना तवाफ़ का इरादा किया है कि हम लोग जो है ना तवाफ़ कर लेते हैं। तो तवाफ़ के इरादे से बस अब हम यहाँ से निकलेंगे होटल से, और जो है ना फिर ये देखें, हम ये जो रास्ता है ना, ये इधर जो है ना, यहाँ पे कबूतरों के सारे घर वगैरह बने हुए थे। तो ये रास्ते में मतलब जो जो व्यू था, ये उसके मैंने ब्लॉग बनाया है। और ये देखें, ये क्लॉक टावर की जो ये पूरा मतलब ये जो बिल्डिंग है, और ये बहुत बड़ी है। ये अक्सर मैं टीवी में या जो है वीडियोज़ वगैरह में देखा करती थी, और बड़ा दिल चाहता था कि ये भी जो है ना सामने देखूँ। और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और इसके नीचे से जो है ना क्रॉस करके हम जो है खाना काबा की तरफ जाएंगे। वहाँ इस गेट से हमने एंट्री करनी है। और ये देखिए, बसेस वगैरह भी यहाँ खड़ी हैं विज़िटर्स वगैरह के लिए ना। तो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र था ये भी, कि सारी लाइट्स इस बिल्डिंग की ऑन थी, और जो है ना यहाँ पर बच्चे ना कबूतरों के पीछे मतलब भागने लग गए थे, देखने लग गए थे, और अच्छा लग रहा था हमें भी। और रात का मंजर मतलब दोबारा से इस तरह, और हम काबा को देखने जा रहे थे, तवाफ़ करने जा रहे थे। अच्छा, तवाफ़ में ये होता है ना कि आप लोगों ने ना मतलब अहराम वाली पाबंदियाँ नहीं होती हैं, और तवाफ़ में ना आपने साथ ही चक्कर करने मतलब तवाफ़ होते हैं, साथ चक्कर होते हैं, और जो है ना आठ जो है वो इस्तलाम होते हैं उसी तरह, और उसके बाद आप जो है ना दो नवाफिल अदा करने होते हैं, और फिर आपका जो है ना तवाफ़ कम्प्लीट हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना तवाफ़ अल्लाह का शुक्र है अच्छे से कर लिया था। और तवाफ़ में आप जो भी चाहे पढ़ सकते हैं, आप उम्रे के टाइम में भी जो भी चाहे पढ़ सकते हैं, चाहे वो दुआएं हैं, चाहे वो दुआ मांगें आप कोई भी। बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि जी अरबी में ही आपको दुआ आनी चाहिए या आप अरबी में ही पढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उर्दू में भी मांग सकते हैं, आप किसी भी ज़बान में मांग सकते हैं। मकसद आपका मांगना है अपने रब से। जब आप वैसे अपने मुल्क में या कहीं भी अपने घर में जब नमाज़ें पढ़ते हैं और दुआएं मांगते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपनी अपनी ज़बान में दुआ मांगते हैं ना। पूरी नमाज़ आप बेशक अरबी में पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और लेकिन जो दुआ होती है वो आप अपनी ज़बान में मांगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपने अरबी में ही मांगनी है। आप अरबी में दुआएँ पढ़ें, आपको जो भी दुआएँ आती हैं, जो आपका दिल चाहता है वो आप पढ़ें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो है ना इसकी कोई ख़ास पाबंदी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है अगर अरबी में ही मांगेंगे तो ही आपकी दुआ कबूल होगी। तो ऐसे जो लोग ये गाइड करते हैं, तो काइंडली अगर जब आप लोग इंशाल्लाह ताला उम्रा के लिए जाएं, आप लोग हज के लिए जाएं, तो इन चीज़ों को ना अच्छे से सर्च करके जाएं, बयान वगैरह सुन कर जाएं, ताकि ना वहाँ जाके आप लोगों को मुश्किल परेशानी पेश ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो है ना हमने मतलब अपना तवाफ़ वगैरह कंप्लीट कर लिया था, और जो है ना बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मॉल में जाना है। सामने मतलब बड़ा सा मॉल था, काफ़ी यहाँ पे मॉल्स वगैरह हैं, होटल्स हैं, तो बच्चों का दिल कर रहा था थोड़ा राउंड वगैरह लगाने का। तो हम ये चारों हमारे साथ थे, भाई और भाभी का अभी जो है ना तवाफ़ रहता था, तो हमने उन्हें कहा कि चलें आप लोग तवाफ़ कंप्लीट करें, तो हम जो है ना बच्चों को थोड़ा घुमा लेते हैं, बच्चों को भूख भी लग गई थी। तो हमने जो है ना फिर जो है सोचा कि बच्चों को खाना खिला लेते हैं, क्योंकि बच्चों का बिल्कुल भी दिल नहीं था कि वो जो है ना कोई कढ़ाई या चावल वगैरह इस तरह की चीज़ खाएं, और उनका दिल था कोई बर्गर वगैरह ऐसी चीज़ हो ना। तो फिर हमें भी आइडिया है कि उनको नहीं ये चीज़ें पसंद हैं, तो फिर हमने सोचा कि बच्चों के लिए ना बर्गर ले लेते हैं। तो फिर यहाँ करीबी KFC था, तो वहाँ से हमने बर्गर वगैरह ले लिए, और जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को बर्गर पसंद आ गए थे। हमने सोचा कि जब भाई भाभी फ्री होंगे ना, तो उन्होंने अगर कढ़ाई या चावल जो भी खाना होगा तो वो खा लेंगे। तो मैंने और हस्बैंड ने एक ही बर्गर लिया था, तो एक्चुअली ना दोनों को नॉर्मल सी भूख थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो हमने सोचा कि हम डबल ले लेते हैं, लेकिन डबल बर्गर कर लेते हैं और एक ही ऑर्डर कर लेते हैं ताकि हम दोनों खा लें। तो बाकी बच्चे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे थे खाना, और छोटे वाले बेटे को फिर वो हमारे पास ही छोड़ गए थे बाकी तवाफ़ कम्प्लीट करने से पहले ना। तो चारों बच्चे इस टाइम हमारे पास थे, और माशाल्लाह मतलब बच्चों ने भी खाना एंजॉय कर लिया था, बच्चे भी खुश हो गए थे। और तवाफ़ के दौरान हमने बच्चों को जो है ना मस्जिद में साइड पे बिठा दिया था, और बच्चों के लिए फिर मैंने चॉकलेट्स ली थी, ये बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। तो बस यहाँ मैंने एक तो खा ली थी, दिल चाह रहा था मेरा। और मैंने बताया ना कि यहाँ पे ना सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, यानी कि इतना अच्छा लग रहा है कि शायद ना फीलिंग्स ऐसी हैं कि मतलब लफ्ज़ ही नहीं मिलते बयान करने के लिए ना। सब कुछ ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ सामने जो है ना ये देखिए, मुझे मतलब हरम शरीफ है, नज़र आ रहा था सब कुछ, और मैं यहाँ बैठी हुई थी और इन सब का वेट कर रही थी कि सब बच्चे खेल कूद के फ्री हो जाएंगे ना, तो फिर हम भाभी लोगों से भी कॉन्टैक्ट करेंगे, और फिर जो है ना हम लोग
वापस जाएंगे, क्योंकि हमारा ये इरादा था कि नमाज इशा भी जो है ना अदा करके और रात को जो है ना मतलब लेट नाइट जो है हम वापस जाएं। तो ये सारा मंज़र जो है ना मतलब जो मैं देख रही थी, मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड करूँ आप लोगों के साथ। ये जब हम वापसी की तरफ जा रहे थे तो यहाँ ये देखें सारी जो है ना ये सारे होटल्स हैं। और अच्छा ये वाले जो होटल्स हैं ना मेरे ख्याल में ये एक्सपेंसिव होंगे, और वैसे तो मुझे इनके रेट्स का आइडिया नहीं है, लेकिन क्योंकि हरम के बहुत करीब है ना तो इनके रेंट जो है ना वो डेफ़िनेटली जो एक्सपेंसिव होंगे। जो हमारा होटल है ना वो तकरीबन 15 से 20 मिनट के फ़ासले पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम खैरियत से आ जा लेते हैं, इतना तो फ़ासला तय कर ही लेते हैं हरम के लिए आने के लिए। तो इतने फ़ासले पे अगर आपको होटल मिल जाता है और जायज़ रेंट पे तो ये बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। होप कि आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हमारी दुआएँ इबादत कबूल करे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।